नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ प्लांटर्स हॉल। सो बेसिकली ये नॉर्मल प्लांटर्स हॉल नहीं होने वाला है, ये मिनिएचर प्लांटर्स हॉल होने वाला है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने अपना बैल्कनी मेकओवर डाला था एंड उसमें मैंने इनको स्टाइल किया हुआ है। सो अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे इनको स्टाइल किया है या यूज़ किया है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। एंड उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने ये कहाँ से परचेस करे हैं, इनका मैं रिव्यू दूँ प्रॉपरली। सो हेयर आई एम टू गिव यू अ प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो फॉर साथ में शेयर करूंगी इनकी क्वालिटी कैसी है। सो यस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अपने बालकनी के लिए मिनिएचर प्लांटर्स चाहिए थे, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट जो मैंने छोटा सा क्यूट सा मिनिएचर प्लांटर परचेस किया है वो है ये। इन पे एक मॉन्क टाइप बने हुए हैं, क्यूट सा प्लांटर है ये, बहुत ज़्यादा क्यूट है। इनफैक्ट आप जो मिनिएचर गार्डन्स बनाते हैं ना घर के लिए, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली स्टेयर दिए हुए हैं, आप यहाँ पर प्लांट्स लगा लीजिए, बहुत बहुत क्यूट। एंड कॉम्बिनेशन कलर्स वगैरह सब कुछ बहुत क्यूट है इसका, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। एंड अभी तक मैंने इसमें प्लांट्स लगाए नहीं है बिकॉज आई हैव अ प्लान कि मैं यहाँ पर MC लगा करके इसमें पानी, मेरा कुछ और प्लान है मिनिएचर गार्डन बनाने का, मैं सोच रही हूँ DIY करने का, बट डिसाइडेड नहीं है कि कब, बट जल्दी ही जब मैं फ्री हो जाऊँगी इन सब चीज़ों से तब करूँगी। तो उसके लिए मैंने दिमाग में थॉट था कि उस चीज़ के लिए भी बहुत परफेक्ट होंगे, तो बड़े क्यूट लग रहा है। ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। एंड सबकी पैकेजिंग बहुत एक टॉप क्लास आई थी, किसी भी प्रोडक्ट में मेरे को कोई भी ऐसा टूटा फूटा क्रैक्स वगैरह कुछ नहीं आए हैं। हमारा जो नेक्स्ट मिनिएचर प्लांटर है वो है ये क्यूट सा एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, सो क्यूट। आप इसको पास से देखिए और इसकी फिनिशिंग देखिए, ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये भी, यहाँ पर भी छोटा सा होल दिया हुआ है, आप इसमें रियल प्लांटर लगा सकते हैं। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, इसमें आराम से स्नेक प्लांट, मिनी मनी प्लांट वगैरह लग सकता है। सो ब्लू इन कलर में है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये मुझे। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट, मतलब ये इनफैक्ट बिना प्लांट्स लगाए हुए भी मैंने रखे हुए हैं ना, तो ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये, तीन का सेट आया था, ये और ये, तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। ओके, तो फर्स्ट है ये, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी डॉल है ये, और यहाँ पर बहुत सारी जगह है, तो आप यहाँ पर आराम से कोई भी बैम्बू स्टिक या इस तरह का कोई प्लांटर प्लांट इसमें लगा सकते हैं। इस प्लांटर में बड़ी क्यूट सी है ये, फिनिशिंग आप देख सकते हैं बहुत ही सही आई है। तो ये है, इसके साथ में जो आए थे मैं उनको बताती हूँ। ये फर्स्ट सेकेंड डॉल है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, एंड द फिनिशिंग इन एवरीथिंग इज रियली क्यूट अगैन। यहाँ पर आप आराम से छोटा सा कुछ भी पौधा लगा सकते हैं। तो ये है सेकेंड डॉल, और इसके साथ जो थर्ड प्लांटर आया था वो है ये। ये भी अगैन बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो ये थर्ड इसके साथ प्लांटर आया था, एंड यहाँ पर भी बीच में होल दिया हुआ है। तो ये है थर्ड, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, बहुत ही टॉप क्लास क्वालिटी आई है। सो ये है तीन का सेट आया था, एंड आई थिंक ये 561 रुपीज का था। तो इन सबके जो प्राइजेस हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं कोड्स दूंगी उसमें सामने लिख दूंगी, एंड या तो फिर मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, बट अगर स्क्रीन पे नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा बिकॉज उसमें प्राइस मैंशन करती हूँ मैं। तो यस, ये जितनी भी शॉपिंग है मैं बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से करी है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से परचेस करे हैं। तो मीशो क्या है, मीशो इंडिया का ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है जहाँ पर आप रीसेल भी कर सकते हैं एंड खुद भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे एंड में, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। अभी मैं आपको बाकी के प्रोडक्ट्स बताती हूँ। डॉल का सेट ऑर्डर किया था जो कि ये तीन थे, तो ये तीन आए थे इस ऐसे कलर्स में अलग अलग, एक येलो है, ग्रीन है, एक रेड है, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सो दिस इज इन द ग्रीन कलर, अगेन सेम ही टाइप का है, यहाँ पर आप होल दिया हुआ है तो आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। देन दूसरा जो है वो येलो एंड ब्लू कलर का है, उसके बाद जो थर्ड है वो है ये रेड एंड ये रेड कलर का। तो बड़ी प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट से प्लांटर्स हैं ये। उसके बाद साथ में मैंने कुछ हैंगिंग प्लांटर्स भी मंगवाए हैं, बट मैं इनको एज अ हैंगिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसमें एक तो ये पर्पल कलर है, येलो कलर है, एंड जो पिंक कलर है वो है। तो जो लास्ट टाइम मैंने प्लांटर्स मंगवाए थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी बिकॉज उनको भी मैं यूज़ कर रही हूँ, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये तो बहुत थिक बेस है इसका, सब कुछ बहुत थिक है। तो मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर मैं दूसरा प्लांटर रख के इसको मैं नीचे ही, इसके अंदर मैंने अभी तक चेन्स नहीं लगाई, आपको यहाँ पर
ऐसे होल करना पड़ेगा, तो मैंने होल नहीं किया है, मैं उसको नीचे बेस में यूज कर रही हूँ बिकॉज इतने सुंदर सुंदर कलर है कि ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, इसको मैंने अभी तक हैंगिंग में यूज नहीं किया है। सो ये है तीन का सेट आया था, क्वालिटी लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इसका जो एक और थर्ड कलर है वो डार्क पिंक कलर का है जो कि बड़ा प्यारा लगता है। मैंने मंगवाए हैं ये दो प्लांटर्स, तो ये काफी सही एंड बड़े साइज के प्लांटर्स हैं। अब ये कैसे वर्क करते हैं वो मैं बताती हूँ। ये जो है ये आप इसको, आपको इसे नीचे रखना होता है, यहाँ पर इसको ऐसे फिट करना होता है ये। तो ये रखे हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप इसमें पाम ट्री लगा दो, इंडोर प्लांट में लगा दो, गेट के आजू बाजू रख दो, बैल्कनी में आजू बाजू रख दो, सिमेट्री लुक देते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है एंड प्राइस में भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। बाहर इस तरह के प्लांटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, सो आई रियली लाइक द क्वालिटी एंड एवरीथिंग। अच्छा लगा मुझे ये, दो का सेट आया था ये। ये जितने भी मिनिएचर प्लांटर्स हैं ये मुझे उस दिन आए हैं जिसके नेक्स्ट डे मेरा शेड्यूल था कि आज मुझे बैल्कनी जो मेकओवर है वो डालना है। मैंने फटाफट इसको स्टाइल किया है, रैक्स लगाई है, चेंजेस करे वीडियो में, एडिट किया, नेक्स्ट डे डाला, क्योंकि ये मुझे स्टाइल करना ही करना था। सो बेसिकली मीशो क्या है मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ, इफ़ इन एनी केस आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, आप उसको क्लिक करिए, उसको डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में एंड आप अच्छे से उसमें रजिस्टर कर लीजिए जैसे नॉर्मली आप किसी भी ऐप में रजिस्टर करते हैं एंड गो थ्रू करिए कि इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी मीशो के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पर आप सामान खुद परचेज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप सपोज उस प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज, आप वहां पर मार्जिन एड कर सकते हैं 120, मतलब 20 रुपए आपकी मार्जिन हो गई, तो वो आपका प्रॉफिट इनकम होता है, वर्क करता है, इस तरह से आपकी इनकम होती है एंड इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है। आपको कुछ डिलीवरी रिटर्न का प्रोसेस भी पूरा मीशो अपने तरफ से हैंडल करता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को अपना चीजें जो है वो शेयर करना है एंड अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप खुद भी शॉपिंग कर सकते हैं बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें हैं, काफी अफोर्डेबल रेट में भी है। सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।